Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this lecture. I will teach you English subject, English prose and poetry and grammar. So let's start from the lesson sharing oraison with one's grandmother. तो हम आइए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. आप लोग कॉपी कलम खोल करके रखें और लिखना शुरू करें. शेयर माने होता है शरीक करना या नशर करना. ओरी की जमा है. इसके माने होते हैं परेशानियाँ, टेंशन. विथ वंस ग्रैंड मादर, ग्रैंड मादर माने होता है दादी. ग्रैंड मादर, हाउ आर यू शेखर? यू डोंट लुक टू वेल. यू डोंट लुक, यहाँ पे लुक का माना देखना नहीं है बल्कि दिखना है. टू वेल के माने होता है वेरी वेल. टू का माना यहाँ पर है वेरी वेल, माने अच्छा. शेखर, आई एम फीलिंग वेल. फील वेल माने होता है अच्छा महसूस करना. ग्रैंड मादर, व्हाट्स द मैटर? मैटर माने होता है मामला. शेखर, आई हैव गेटिंग सीवियर पेन. गेट सीवियर पेन माने होता है सख्त दर्द महसूस करना या सख्त दर्द होना. इन माई स्टोमक, स्टोमक माने पेट. लास्ट इवनिंग आई फेल सिक. फील सिक माने होता है बीमार होना. एंड हैड टू सी अ डॉक्टर. टू सी अ डॉक्टर माने होता है डॉक्टर से मिलना. यहाँ पे टू सी अ डॉक्टर का माना डॉक्टर को देखना नहीं बल्कि डॉक्टर से मिलना है. ग्रैंड मादर, व्हाट डिड ही से? ही सेज माय अपेंडिक्स. अपेंडिक्स एक बीमारी का नाम है जो उसमें ये होता है कि आदमी के जिस्म में गोश्त का कोई टुकड़ा जो होता है यानी वो बढ़ जाता है, फिर वो दर्द होने लगता है, तो हम उसको ऑपरेशन के ज़रिए से हटा सकते हैं. गिव समवन ट्रबल माने होता परेशानी देना. ग्रैंड मादर, आई होप यू डोंट हैव टू हैव एन ऑपरेशन. ऑपरेशन के माने यहाँ पर जो डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं यानी चीरफाड़, मतलब ऑपरेशन का माना जानते हो, ये आम है. आई एम अफ्रेड. अफ्रेड माने होता है डरा हुआ, डरना, मतलब डरा हुआ आदमी. आई विल हैव टू. ग्रैंड मादर, वेन विल द ऑपरेशन टेक प्लेस? टेक प्लेस माने होगा यहाँ पर होना. टेक प्लेस माने वाक़े होना या होना. शेखर, समटाइम्स दिस मंथ. मंथ माने महीना. ग्रैंड मादर, आई एम श्योर. श्योर माने होता है यकीन होना, यानी अगर हमें ये कहना हो कि मुझको यकीन है तो आप कहोगे आई एम श्योर यू विल बी ऑल राइट आफ्टर द ऑपरेशन. शेखर, आई होप. होप माने उम्मीद करना. सो माने ऐसा, ठीक है. टू माने भी. मैं भी ऐसा उम्मीद करता हूँ. यू नो आई हैव गॉट माई एयर टिकट. एयर टिकट माने होता है जहाज़ का टिकट. आप यानी सफ़र करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं एयर टिकट, उसको हम एयर टिकट कहते हैं. आई एम लीविंग फॉर लंदन. लीव माने यहाँ पर होगा जाना, रवाना होना. लंदन ऑन द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. ग्रैंड मादर, आई एम सो हैप्पी. शेखर, शेखर स्माइलिंग. स्माइल माने होता है मुस्कुराना. आई एम कीन. कीन माने शायक होना. टू लीव ऑन द 15th विथ माई फ्रेंड्स. आई होप आई विल हैव टू नॉट आई विल हैव टू पोस्टपोन. पोस्टपोन माने होते हैं मनसूख करना, रद्द करना. माई डिपार्चर. डिपार्चर माने होता है रवानगी. बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन. ग्रैंड मादर, नो माई चाइल्ड. आई विल प्रे टू गॉड एंड एवरी थिंग विल बी ऑल राइट. ऑल राइट माने होता है अच्छा, बहुत अच्छा. वर्ड्स मीनिंग जानने के बाद अब आइए हम जानते हैं ट्रांसलेशन को. शेयरिंग ओरीज, गमों को शेयर करना विथ वंस ग्रैंड मादर, अपने दादी माँ के साथ. ग्रैंड मादर, हाउ आर यू शेखर? शेखर, आप कैसे हो? यू डोंट लुक टू वेल. आप बहुत अच्छा नहीं दिखते हो. शेखर, आई एम नॉट फीलिंग वेल. मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ. ग्रैंड मादर, व्हाट्स द मैटर? क्या मामला है? शेखर, आई हैव बीन गेटिंग सीवियर पेन्स इन माई स्टोमक. मैं अपने पेट में सख्त दर्द महसूस कर रहा हूँ. लास्ट इवनिंग
लास्ट इवनिंग माजी शाम आई फेल्ट सिक, मैं बीमार हुआ एंड हैड टू सी अ डॉक्टर, और मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। ग्रैंड मदर व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। शेखर ही सेज, वो कहता है माई अपेंडिक्स इज गिविंग मी ट्रबल, कि मेरा अपेंडिक्स मुझे परेशान कर रहा है या परेशानी दे रहा है। ग्रैंड मदर आई होप यू डोंट हैव टू हैव एन ऑपरेशन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। शेखर आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू, मैं डरता हूँ कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़े। ग्रैंड मदर व्हेन विल द ऑपरेशन टेक प्लेस, ऑपरेशन कब होगा। शेखर सम टाइम दिस मंथ, कभी भी इस महीने। ग्रैंड मदर आई एम श्योर यू विल बी ऑल राइट आफ्टर द ऑपरेशन, मैं यकीन रखती हूँ, मुझे यकीन है कि तुम एकदम से अच्छे हो जाओगे ऑपरेशन के बाद। शिखर ओह आई होप सो, हाँ मैं भी ऐसा उम्मीद करता हूँ। यू नो आई हैव गॉट माई एयर टिकट, आप जानती हो कि मैंने अपने जहाज का टिकट ले लिया है। आई एम लिविंग फॉर लंदन ऑन द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं लंदन के लिए रवाना हो रहा हूँ अगले महीने के 15 तारीख को। ग्रैंड मदर आई एम सो हैप्पी शेखर, शेखर मैं बहुत खुश हूँ। शेखर स्माइलिंग, शेखर मुस्कुराते हुए कहता है आई एम कीन टू लीव ऑन 15th विद माई फ्रेंड्स, मैं 15 को अपने दोस्तों के साथ निकलना चाहता हूँ, रवाना होना चाहता हूँ, या मैं अपने दोस्तों के साथ 15 तारीख को जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आई होप आई विल नॉट हैव टू पोस्टपोन माई डिपार्चर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे अपना सफ़र कैंसिल ना करना पड़े। ग्रैंड मदर नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे, आई विल प्रे टू गॉड, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी एंड एवरी थिंग विल बी ऑल राइट, और हर एक चीज़ बहुत ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।